आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश से मुलाकात करते हुए देरीना मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने तिरुपति मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया को दिया बयान। आज़मीन हज के काफिलों की हैदराबाद से रवानगी का सिलसिला जारी। 9,000 से ज़ायद आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा दही की। रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स कांग्रेस के धोखे में ना आए। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वजीर केटीआर ने बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। सीसीएस एसीपी गैर महसूब असासेजात केस के सिलसिले में गिरफ्तार। एसीबी ओहदेदारों की धावे के बाद कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के मरहले मुकम्मल होने के बाद और नतायज आने के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करते हुए दोनों रियासतों के माबैन जारी देरीना मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। तिरुपति में अपने ख़ानदान के हमरा मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया को यह बयान दिया। नारेगामी इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमर के साथ। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने चाशंबे को तिरुपति में दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने आंध्रा के साथ रियासत तेलंगाना के ताल्लुकात को बेहतर रखने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ जो भी देरीना मसाइल हैं उसे हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तिरुमला में गेस्ट हाउस और कल्याणा मंडपम तामीर करेगा ताकि तेलंगाना से जाने वाले यात्रियों को सहूलत हो सके। सियासी सवालात करने पर उनका कहना था कि जिस मुकाम पर वो खड़े हैं वहाँ पर सियासी बातें जेब नहीं देती। रेंडो राष्ट्राल सत्संबंधाल कोनसागालने रेंडो राष्ट्राल अभिवृद्धि पदम वैपु नडवालने आंध्र प्रदेश लो एर्पड़बोये प्रभुत्वम आ राष्ट्र मुख्यमंत्री तो तेलंगाना मुख्यमंत्री का सत्संबंधाल तो समस्यलु अन्नितिनि कूडा परिष्करिंचुकोनि कलिसिकट्टुगा नडिचि రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే విధంగా ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆకాంక్షించను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కొండ మీద ఒక సత్రం నిర్మాణము కళ్యాణ మండపం నిర్మించి తెలంగాణ నుంచి వచ్చే భక్తులకే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి స్వామివారిని సందర్శించుకునే భక్తులందరికీ కూడా सदर मजलिस में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से 400 नशिस्तों के हुसूल और कांग्रेस की तरफ से इख्तदार में आने पर राम मंदिर को ताला लगाए जाने के रिमार्क पर कहा है कि नोटबंदी के बाद कई फैक्ट्रीज पर ताले लग चुके थे, इस बारे में वज़ीर आज़म बात क्यों नहीं करते। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि कई छोटी और औसत सनतों पर ताले पड़ गए थे। उत्तर प्रदेश के कई अफराद मुख्तलिफ रियासतों में फंस गए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वज़ीर आज़म इसके बारे में क्यों बात नहीं करते। चार सौ पार अब कहाँ कह रहे हैं आप? हाँ कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा यह है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है यहां पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जनवर है उसको मैं देख लूंगा, तीसरे फेस में याद होगा आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है देखिए, बेरोजगारी सुनिए, महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को। हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओ किया जाता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से
लोग परेशान हैं, 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। हाँ हाँ पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं, और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने हैदराबाद में मुतयन ईरानी सिफारतखाना पहुंचकर मुतालिका अमले से सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताजियत किया। मीडिया से बात करते हुए रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाह रुखी से मुलाकात की और ताजियत पेश की। सदर मजलिस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताजियती पयाम भी पहुंचाया गया। कल के आदेश से शौक में और दिल की गहराइयों से ताजियत पेश करते हैं हम पूरे हैदराबाद के आम रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। दूसरी जानिब कारगुजार सदर बीआरएस पार्टी केटीआर ने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी पर दरोगोई का इल्ज़ाम आयद किया। नज़रदामी इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तंकीद की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि असेंबली इंतखाबात के मौके पर किसानों को 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ करने और फी कुंटल 500 रुपये बोनस देने, रैतु भरोसा के तहत 15,000 रुपये जमा करने का वादा करते हुए इख्तदार तो हासिल कर लिया गया लेकिन इख्तदार पर आने के बाद किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। किशन रेड्डी ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किसानों की तरक्की के लिए कई इकदाम किए गए और मुल्क और रियासत के किसान खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रियासी सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने बताया कि मरकज में तीसरी मरतबा एनडीए की हुकूमत होगी और वज़ीर आज़म के ओहदे पर दोबारा नरेंद्र मोदी फायज होंगे। उन्होंने पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बीजेपी तेलंगाना में 10-12 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की सियासत में हलचल करेगी। प्रजलक मात्रमु पंगनामाल पेड़ता हुंदी कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व मनवी चेस्ता उन्नानु। मुख्यंगा ई रोजु 100 रोजुल्लो रुणमाफी चेस्तामनि चेप्पि ఆగస్టు మరి ఇస్తామని చెప్పి రోజైతే వాయిదా వేస్తా ఉందో ఇది ఇంతకంటే రైతు రుణమాఫీ పైన అన్యాయమికి ఒకటి ఉండదు। డిసెంబర్ 9న మా సోనియమ్మ జన్మదినము, ఆ రోజు రైతులు రుణమాఫీ చేస్తాము, ఒకవేళ పొరపాటున రైతులెవరైనా బ్యాంకులకు మీ అప్పులు చెల్లిస్తే కొత్తగా తీసుకోండి, ఆ డబ్బులను కూడా ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చేస్తుంది, ఒకవేళ ధాన్యం ఉంటే మీరు అమ్మకండి, మా ప్రభుత్వం వచ్చేంత వరకు ఆగండి, 500 బోనస్ ఇస్తామని చెప్పి ఊరూరా తిరిగినటువంటి రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు మరి ప్రజలను ఈరోజు అన్యాయానికి గురి చేస్తా ఉన్నారు।
గ్యారంటీ కార్డుతో వరి పంటకు క్వింటాల్కు 500 రూపాయల బోనస్ అని ప్రకటించి ఈరోజు సన్న ఒడ్లకు మాత్రమే అని ఈరోజు సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతా ఉన్నాడు। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने नलगुड़ा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मनक़िदा नरसमपेट के एक अवामी इजलास को मुखातिब किया। उन्होंने तालीम याफ्ता अफराद से दरियाफ्त किया कि कांग्रेस हुकूमत ने क्या 2 लाख नौजवानों को रोज़गार से मजबूत करने के लिए कोई इकदाम किया है। केटी रामाराव ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कायदीन MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने, मेगा DSC मनाक़िद करने और तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को 4000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का झांसा दे रहे हैं। केटी रामाराव ने कहा है कांग्रेस 6 जमानतों का वादा करते हुए सिर्फ 1 जमानत वो भी ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के अलावा 5 जमानतों को बरदान की नज़र कर चुकी है। उन्होंने बताया कि BRS असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 1.8% वोटों की कमी से इख्तदार से महरूम रही, लेकिन इख्तदार के जाने से वो मायूस नहीं है बल्कि अवाम की खिदमत करना अपना अवलीन मकसद समझते हैं। MGM आस्पत्रि लो ఒకటి కాదు రెండు కాదు 5 గంటల పాటు సాయంత్రం 4:30 నుంచి రాత్రి 9:30 గంటల దాకా కరెంట్ లేదు అంటే మన ఇళ్ళల్లో పోతనేమో ఫ్యాన్ బంద్ అవుతది, బుగ్గ బంద్ అవుతది, కానీ MGM హాస్పిటల్లో 5 గంటలు కరెంట్ పోతే ఒక్క జనరేటర్ కూడా పని చేయకపోతే అక్కడ ఇంక్యుబేటర్ లో ఉండే చిన్న పిల్లల పరిస్థితి ఏంది, నవజాత శిశువుల పరిస్థితి ఏంది, ICU లో వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ల పరిస్థితి ఏంది, ఇదేనా మార్పు, ఇదేనా మనం ఏరి కోరి తెచ్చుకున్న మార్పు? దయచేసి ఆలోచించండి। మీ అందరితో మనస్ఫూర్తిగా కోరేది ఒక రైతులను మాత్రమే మోసం చేయలేదు, ఇక్కడికి వచ్చిన మా గ్రాడ్యుయేట్ చెల్లెలను మా గ్రాడ్యుయేట్ తమ్ముళ్ళను అడుగుతా ఉన్నా, మీకు మా మీద నెత్తి నిండా కోపం నింపి పెట్టిన ఎలక్షన్ నాటికి ఏమని, వీళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు, వీళ్ళు ఉద్యోగ నియామకాలు చేయలేదు, పేపర్ లీకులు జరిగినాయి అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చిన ప్రచారం చేసినారు। ఒక్క మాట దయచేసి నేను చెప్పేది వాస్తవమా కాదా మీరు ఇంటికి పోయినాక మీ మిత్రులతో చర్చించండి, గూగుల్లో చూడండి, యూట్యూబ్లో చూడండి, నేను చెప్పింది వాస్తవమైతేనే మాకు ఓటేయండి। నేను మీకు ఏం చెప్తా ఉన్నా అంటే గత 10 ఏళ్లలో 2014 నుంచి 2024 వరకు భారతదేశంలో నిజానికి అత్యధికంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నియమకాలు చేసింది KCR గారి ప్రభుత్వం। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि BJP 5 मरहलों में मुनक़िद हुए इंतखाबात की रायदही में अपनी शिकस्त को देखते हुए आइंदा 2 मरहलों में पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए जज्बाती तकारीर का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर इत्तेफाक से BJP मरकज में 3री मरतबा इख्तदार हासिल करती है तो मोदी की मंदिर तामीर होगी। निरंजन ने बताया कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को तेज़ी के साथ पूरा कर रही है जिससे आवाम मुतमईन है और पार्लिमान इंतखाबात में कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है। जबकि 4 जून को आने वाले नतज में कांग्रेस तेलंगाना में 12 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की सियासत में हलचल मचाएगी। फ़लस्तीन के गाज़ा में हो रहे इसराइली मजालिम के ख़िलाफ़ दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज जारी हैं। ताहम गाज़ा मुतासरीन को मुख्तलिफ ममालिक ने पनाह भी दी है जहां पर वो कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह के एक कैंप में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उन्हें रिलीफ का इंतज़ाम किया गया और एक दिन के लिए उनके खाने का इंतज़ाम किया गया। मजलिस के कायदीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आगे भी इस तरह की खिदमत जारी रहेगी।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीसीएस एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक सीसीएस एसीपी उमा महेश्वर के मकान के बशमूल 13 मकामात पर एसीबी की जानिब से गैर महसूब असासजात को लेकर धावे किए गए थे। इन धावों में बरामद शुदा अशिया की बिना पर और गैर महसूब असासों के पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और वाइजाग में टीएस उमा महेश्वर राव एसीपी इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग सीसीएस स्टेशन हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तकरीबन 13 मकामात पर धावे किए गए। इन धावों में 15 अराजियात के कागजात के अलावा नकद रकम, तलाई जेवर और नुखरवी जेवर जुमला मालियती 3,50,00,000 रुपये जब्त किए गए हैं। एसीबी अधिकारियों ने उन्हें बाद में कोर्ट में पेश किया। वरंगल में वाक़ लेबर कॉलोनी में हुए एक हादसे में शदीद जख्मी शख्स को कारगुजार सदर केटिया ने फौरी तौर पर दवाखाना रुजू किया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल में हुए इस हादसे की खबर जैसे ही केटीआर को पहुंची, वो ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना हो रहे थे। तहम उन्होंने वरंगल लेबर कॉलोनी पहुंचकर 55 साल अंजैया को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाने का नज़म किया, जहां पर उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दिया गया। धर्मारा का धर्मारा गेट का तेलंगाना रियासती हज कमेटी के तवसुस से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत नामपल्ली में वाक़े हज हाउस से रोज़ाना की असास पर आज़मीन हज हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। 22 मई को सऊदी एयरलाइंस की दो परवाज़ों से तकरीबन 570 आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इससे कबल हज हाउस में वाक़ हज कैंप में उलमाए कराम और मशायख़ निज़ाम ने उनसे ख़िताब किया और मनासी के हज पर तफसीली रोशनी डाली। हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के मुताबिक ताहाल 9,362 आज़मीन हज 32 परवाज़ों के ज़रिए मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और हज कमेटी अराकीन और दीगर भी मौजूद थे। والنعمة
नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके टीपू खां ब्रिज के करीब एक चलती हुई किया कार में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर ने फौरन मुस्तैदी का मुजाहरा किया और चलते हुए राहरों ने भी इस आग को बुझाने की कोशिश की। ताहम फौरी तौर पर फायर इंजन और आतिशफरोह अमले के अलावा मुतालिका पुलिस को मुतल्ला किया गया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में जाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। दोनों शहरों में वाक़ तालीमी इदारों की जानिब से तेलंगाना भर में टॉप रैंक हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तहनियत पेश करने के लिए तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स वाक़ संतोष नगर कॉलोनी की जानिब से एक तहनियती तकरीब रखी गई, जिसमें इंटरमीडिएट इम्तहानात में स्टेट रैंक हासिल करने वाले और कॉलेज टॉपर्स को तहनियत पेश की गई। न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स की जानिब से इंटरमीडिएट इम्तहानात में टॉप रैंक हासिल करने वाली तालिबात को तहनियत पेश करने की गरज से एक तकरीब का अहतमाम टोपास कन्वेंशन हॉल वाक़ DRDL रोड में किया गया। इस तकरीब की सदारत चेयरमैन कॉलेज मोहम्मद हबीबुद्दीन ने की, जबकि तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान मोहम्मद अफसर मुहीउद्दीन, अब्दुल हफीज़, वाजिद फतेह के अलावा कांग्रेस अखिलियती क़ायद मोहम्मद फ़खरुद्दीन, माहरीन तालीम इकराम अंसारी, मोहम्मद जुनेद, डॉक्टर फजलरहमान खुर्रम के अलावा ओमान मस्कत से तशरीफ़ लाए मोहम्मद इकराम ने मेहमान के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। करस्पॉन्डेंट मोहम्मद बशीरुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया और कॉलेज की तफसीली रिपोर्ट पेश की, जबकि प्रिंसिपल तस्लीम सुल्ताना ने तालिबात की जानिब से किए गए शानदार मुजाहरे पर उनकी सिताइश की। चेयरमैन मोहम्मद हबीबुद्दीन ने बताया कि लड़कियों को मखसूस माहौल में ज़ेबर तालीम से आरास्ता करने का उनका मकसद काफ़ी हद तक कामयाब रहा है और तालिबात ने साबित किया है कि वो बेहतर माहौल हासिल होने पर कामयाबी के जीने तय कर सकती हैं। इस मौके पर स्टेट टॉपर्स, कॉलेज टॉपर्स के अलावा मुख्तलिफ मजामीन में टॉप करने वाले तालिबात को भी तहनियत पेश की गई। वादा है कि न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज के इंतज़ामिया की जानिब से लड़कों के लिए भी अलहदा तौर पर कॉलेज चलाया जाता है।
بازاں چیئرمین محمد حبیب الدین نے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا. آج نیو دکن جونیئر کالج کا فیلیسیفیشن پروگرام تھا, اس میں جو ہم لوگ جو طلبہ اچھے نمبر لے کے آئے, الحمدللہ کالج سے جو ہے ہمارے تقریباً 10 طلبہ اسٹیٹ رینک لے کے آئے ہیں اور 17 طلبہ ایسے ہیں جو 100% لے کے آئے سبجیکٹس میں. تو ان کا فیلیسیٹیشن پروگرام تھا, منعقد کیا گیا تھا, اور جو ہے اس میں جو ہے ہم لوگ ہمارے جو لیکچررس تھے ان کے لیے اور جو ہے جو بچے اچھا پرفارم کرے ان کا اوارڈ ڈسٹریبیوشن تھا. تو الحمدللہ کافی سکسیزفل رہا, اور جو ہے ایک فیوچر روڈ میپ بھی جو ہم لوگ طے کرے ہیں کہ یہ صرف جونیئر کالج تک سیمت نہیں رہے گا, ہم لوگ جو ہے اس میں ووکیشنل کورسز اور جو ہے ڈگری کالج کا بھی جو ہے ہم لوگ کمیٹی بنائے ہیں, اور یہ سال انشاءاللہ ڈگری کالج سٹارٹ کریں گے جس میں جو ہے بی بی ایس ٹیم ہے اور بی ایس سی کمپیوٹرز ہیں اور بی کام کی اسٹیم جو ہے اسٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ویسے جو ایک ریسرچ ٹیم بنائے ہیں ہم لوگ جو ہے سیلف امپلائمنٹ اورینٹیڈ ووکیشنل کورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, انڈسٹریز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, انڈسٹریز سے ٹائی اپ کریں گے, اور جو ہے وہ کورسز جو ہے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے ہم بوائز کے لیے الگ کورسز اور گرلس کے لیے الگ کورسز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور گرلس کا جو ہے بالکل الگ سپریٹ کیمپس ہے جس کے اندر ڈگری اور ووکیشنل کورسز کریں گے. اس سے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ جو باہر کے گیسٹ لیکچرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرس ہیں, ان کو بھی ارینج کرے. لاسٹ ایئر بھی جو ہے تقریباً 5-6 پروگرامس ہوئے ہمارے, یہ سال بھی جو ہے لائن اپ کرے ہیں ہم لوگ. جو اسپیکرس ہمارے سعودی کے انڈسٹری ہیڈس ہیں, عمان کے انڈسٹری ہیڈس ہیں, وہ لوگ جب ویکیشن پہ آتے جو ہے ان کو اسپانسر کر کے یہ گرلس کے موٹیویشن کے لیے اور ہمارے بوائز سیکشن کے موٹیویشن کے لیے ہم لوگ آرگنائز کرتے. مگر یہ سال جو ہے ہم لوگ اس کو اور تھوڑا سا کانکریٹ اس میں جا رہے ہیں, ہم لوگ انڈیا کے بھی جو انڈسٹری ہیڈز ہیں ان سے ٹائی اپ کرے ہیں, ان سے بھی جو ہے ہم لوگ کرسپونڈنس میں ہیں, تو ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے, ان کو جو ہے ہمارے کالج کو انٹروڈیوس کریں گے, ہمارے بچوں کو جو ہے ان سے انٹروڈیوس کروائیں گے, اور وہ لوگ جو ہے جو انڈیا میں کرنٹ انڈسٹری ٹرینڈس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ لیکچرز دیں گے. اسی بہ نسبت جو ہے ہم لوگ اس کے ووکیشنل کورسز بھی کریں گے, اور جو ہے بڑے فیکٹریز سے انڈسٹری سے ٹائی اپ کر کے بچوں کے لیے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کا بھی جو ہے ہم لوگ پروگرام بنا رہے ہیں. تو ایمبیشنس تو جو ہے ہمارے بہت زیادہ انتھوسیاسٹک ہیں, اللہ سے امید ہے کہ جو ہے اللہ اس کو پورا کریں گے. یہ جو ہے ایک سوسائٹی بنے گی, تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ لوگ جو ہے ویل ایجوکیٹڈ, ویل امپاورڈ اور ویل نالج جو ہے نکلے ہر اعتبار سے, اسی کے لیے کوشاں ہیں. ویسے جو ہے ہم لوگ بوائز سیکشن کے لیے بھی اسی طریقے سے وہ کریں کہ ہمارا جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچیاں جو ہے سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائیں, اور جو ہے اپنے ساتھ ساتھ ایک 3-4 اور بچوں کو جو ہے وہ لوگ جاب اپارچونیٹیز کے لیے جو ہے یہ پرووائڈ کریں, یہ گول ہم لے کے اس کے ساتھ ساتھ. کالج میں اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹر شاہ علی بنڈا محمد مصطفیٰ علی مظفر کا خلیجی ملک خطر کے کیپٹل دوحہ میں شاندار خیر مقدم کیا گیا. کیو پی ایل کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب رکھی گئی اور انہیں ایک یادگاری مومنٹو بھی پیش کیا گیا. کیو پی ایل کی جانب سے دوحہ خطر میں حیدرآباد سے آنے والے مہمانوں کا شاندار خیر مقدم کیا جاتا ہے اور انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش بھی کی جاتی ہے. اس سلسلے کے تحت مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاہ علی بنڈا ڈویژن محمد مصطفیٰ علی مظفر کا دوحہ خطر میں شاندار خیر مقدم کیا گیا اور کیو پی ایل کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا. انڈین حیدرآبادی اسپائس ریسٹورنٹ میں منعقدہ اس تہنیتی تقریب کی نگرانی کیو پی ایل فاؤنڈر ڈائریکٹر سراج انصاری نے کی, جبکہ اس موقع پر کیو پی ایل بورڈ ممبرز امجد خان, سید گلریز, حمید خان, عابد خان, یوسف خان, ماجد خان اور میراج ملک کے علاوہ دوحہ خطر اے آئی ایم آئی ایم انچارج مدثر محی الدین اور دیگر اہم شخصیتیں بھی موجود تھیں. امجد حسین زبیر جوائنٹ سیکرٹری بزم اتحاد حیدرآباد چیپٹر نے خصوصی طور پر شرکت کی, جبکہ محمد مصطفیٰ علی مظفر کے دوست محمد مشرف کے علاوہ کیو پی ایل ممبرز محمد صدیق, آصف علی, علی نقشبندی, محمد خالد, عمران حسین, محمد اعراج, خبی خان, محمد شجی اور صلاح الدین بھی اس تقریب میں شریک تھے.
AIMIM कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ़र को तहनियत पेश करते हुए उन्हें एक मोमेंटो भी दिया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ़र ने उनकी पिजराई पर QPL से इजहार तशक्कुर भी किया। आप लोगों ने तकरीब में जमा होके मेरी इज्जत अफजाई करी, मैं बेहद मुझे मसरत हुई, अल्लाह ने उस काबिल रखा कि आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीरे आला आंध्र प्रदेश से मुलाकात करते हुए देरीना मसाइल की यकसुई की जाएगी। वज़ीरे आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने तिरुपति मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया को दिया बयान। आज़मीन हज के काफिलों की हैदराबाद से रवानगी का सिलसिला जारी। 9,000 से जायद आज़मीन मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा दही की। रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स कांग्रेस के धोखे में ना आए। ग्रेजुएट MLC इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वजीर KTR ने BRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। CCS ACP गैर महसूब असाजात केस के सिलसिले में गिरफ्तार। ACB अहदेदारों की धावे के बाद कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बैलखामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।